एक ऐतिहासिक काम नेपाल के हाई स्कूल स्टूडेंट यानी कि 10वीं 11वीं के बच्चे कर रहे हैं। ये सुनकर शायद आपका भी सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और आप भी कहेंगे वाव। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में वाव जरूर लिख के कमेंट करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्पेस जगत काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, साथ ही साथ इसमें खर्चा भी बहुत आता है। इसीलिए कई देश स्पेस की रेस में पिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन नेपाल में स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है और इसकी पुष्टि करती है एक बहुत बड़ी अपडेट जो कि आज के हमारे चर्चा का विषय है और जो जुड़ी है नेपाल के स्पेस जगत से। तो देखिए इस रिपोर्ट को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि नेपाल के हाई स्कूल के बच्चे बना रहे हैं दुनिया का पहला हाई स्कूल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। जी हाँ, वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन जो कि स्कूली बच्चे बना रहे हैं, वो भी नेपाल के। आपको बता दें कि ये क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल से भी हैं, साथ ही साथ KUHS यानी काठमांडू यूनिवर्सिटी हाई स्कूल से भी हैं, जिसमें 3 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं और 6 KUHS यानी कि काठमांडू यूनिवर्सिटी हाई स्कूल से हैं। और ये सभी मिलकर बना रहे हैं 1U क्यूबसैट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। अब जिसको इस टेक्निकल टर्म के बारे में नहीं पता है, वो वीडियो पर बने जरूर रहें, क्योंकि मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा कि ये है क्या और साथ इस प्रोजेक्ट की A to Z सारी बात मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो कहीं भी स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें इन्फॉर्मेशन के लिए, साथ इन बच्चों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। अब जानते हैं कि 1U क्यूबसैट होता क्या है आखिर। दोस्तों 1U क्यूबसैट एक साइज का सैटेलाइट होता है जिसका शेप कहीं ना कहीं क्यूब से मिलता जुलता है और इसका डायमेंशन जो होता है वो होता है 10 cm × 10 cm × 11.25 cm, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो कि 10 cm × 10 cm और 11.25 cm होती है, और इसी को कहा जाता है 1U क्यूबसैट। ऐसे ही एक कैटेगरी होती है जिसको कहा जाता है 2U क्यूबसैट, जिसकी डायमेंशन होती है 10 cm × 10 cm × 22.7 cm, यानी कि लास्ट वाला साइज दुगना हो जाता है लगभग। लेकिन नेपाली बच्चे जो सैटेलाइट बना रहे हैं वो 1U क्यूबसैट है, और वो भी एक सैटेलाइट नहीं है, ये एक कॉन्स्टेलेशन है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन आपको एक जनरल नॉलेज बता दूं कि आज तक की जो एग्जिस्टिंग सबसे छोटी क्यूबसैट है वो है 0.25U की, और सबसे लार्जेस्ट क्यूबसैट है 27U की। तो ये तो सैटेलाइट होगी जो कि नेपाली बच्चे बना रहे हैं। लेकिन अब जानते हैं कि सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन क्या है जो वर्ल्ड में पहली बार हाई स्कूल के बच्चे बना रहे हैं, और ये नेपाल के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी है टेक्नोलॉजी में। तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि सब तक ये अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही ऐसे ओरिजिनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें। अब जानते हैं सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन होता क्या है। दोस्तों जब दो या दो से ज्यादा सैटेलाइट मिलकर एक ही काम करती हैं, यानी कि ग्रुप में काम करती हैं, तो उसको कहा जाता है सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। क्योंकि एक बड़ी सैटेलाइट भी रहेगी तो एक लिमिटेड जगह तक सीमित रहेगी और अपने लिमिटेड ही पोर्शन में काम कर सकती है स्पेस में जाकर। पर जब सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन होता है तो ये सैटेलाइट बड़े एरिया कवर कर सकती हैं, यानी कि इससे कवरेज बढ़ता है। क्योंकि एक बड़ी सैटेलाइट हर जगह कवरेज नहीं कर सकती, वहीं एक छोटी सैटेलाइट जगह जगह पर छोड़ दी जाती है, जिससे बहुत बड़े एरिया में छोटी सैटेलाइट कवर कर सकती हैं पोर्शंस को और सिग्नल रिसीव कर सकती हैं या ट्रांसमिट कर सकती हैं। और ये सभी जो छोटी सैटेलाइट होती हैं वो एक दूसरे से भी कनेक्ट रहती हैं, तो इससे ये पूरा एक नेटवर्क तैयार हो जाता है जो कि एक बड़ी सी स्पेस को समझ लीजिए एक्वायर कर लेता है। यानी कि अगर आपको कोई जगह पर सिग्नल भेजना या रिसीव करना है और एक समय पर एक सैटेलाइट वहां मौजूद नहीं रह सकती है, क्योंकि सैटेलाइट लगातार चक्कर लगाती रहती है, तो हो सकता है कि उस जगह पर उस समय सैटेलाइट ना हो, लेकिन अगर छोटी छोटी बहुत सारी सैटेलाइट्स होंगी तो कोई ना कोई सैटेलाइट उस जगह पर मौजूद होगी और वो छोटी सैटेलाइट सिग्नल रिसीव या ट्रांसमिट कर सकती है, और वो सारी सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्ट रहती है जो कि काम को बहुत ज्यादा आसान कर देती है, और इसी को सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। और ये जो सैटेलाइट से सैटेलाइट का कनेक्शन होता है उसको कहा जाता है इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि सैटेलाइट से सैटेलाइट के बीच का जो कनेक्शन होता है, और यही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं नेपाली स्कूल के बच्चे अपनी छोटी सी उम्र में, जो ये कुछ 1U क्यूबसैट्स बना रहे हैं और उनका आपस में कॉन्स्टेलेशन किया जाएगा, यानी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन होगा। तो है ना ये गर्व की बात। अब जानते हैं क्या है ये क्यूबसैट जो कि नासा द्वारा बनाया गया है। एक्चुअली एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है जो कि नासा प्रोवाइड करती है। क्यूबसैट प्रोवाइड करता है एक लो पाथवे जो कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन के लिए और कई और कामों के लिए यूज होता है, जो कि स्टूडेंट, टीचर्स या फिर हार्डवेयर डेवलपर को दिया जाता है, जिससे वो लोग कई चीजें सीख पाते हैं स्पेस में।
और वैसा ही कुछ सीखने को मिल रहा है क्यूबसैट के जरिए नेपाली स्टूडेंट्स को भी। अब ये क्यूबसैट जिसे नैनो सैटेलाइट्स भी कहा जा सकता है, वो करते क्या है बेसिकली, यानी कि जो नेपाल के स्टूडेंट्स सैटेलाइट का डिजाइन कर रहे हैं वो कर क्या सकता है। दोस्तों यूज के हिसाब से इसको कई कामों में लाया जा सकता है, यानी कि जो काम बड़ी सैटेलाइट भी नहीं कर सकती वो ये नैनो सैटेलाइट काम करके दिखा सकती हैं। तभी ये जरूरी भी हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और इन पर कॉस्ट कम आती है बड़ी सैटेलाइट के कंपैरिजन में। साथ ही साथ इनको यहाँ से स्पेस में भेजने का खर्चा भी काफी कम होता है, इसीलिए ये काफी यूजफुल होती है एक छोटे बिजनेस के लिए, एक छोटे स्कूल या फिर किसी भी छोटे बिजनेस पर्पस के लिए। और ये सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन ज्यादा जगह तक फैल सकता है और कम खर्च में, जो कि नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है या फिर सिग्नल रिसीव कर सकता है और कई और छोटे मोटे काम कर सकता है। पर बड़ी सैटेलाइट के कंपैरिजन में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये सब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक छोटी सी जगह में एक लिमिटेड काम ही किया जा सकता है जो कि ये नैनो सैटेलाइट करती हैं। अब बड़ा सवाल कि इन सैटेलाइट्स पर खर्चा कितना आता है लगभग, जिसे जानने का मन सबका करता है। दोस्तों एक क्यूब सेट एक स्मॉल बिजनेस या फिर एक स्मॉल स्कूल के लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है या फिर बहुत ज्यादा कारगर है, और कई फॉरेन कंट्रीज में स्कूल्स या फिर बड़े कॉलेजेस की अपनी सैटेलाइट्स भी हैं जो कि नैनो सैटेलाइट्स होती हैं। बड़ी सैटेलाइट के कंपैरिजन में इनका प्राइस बहुत ज्यादा कम होता है, वो तो आपको भी पता होगा। लेकिन कॉस्ट की जरा बात करें तो इनकी कॉस्ट इनके काम और इनके इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड कर जाती है, यानी कि आप इनसे क्या काम कराना चाहते हैं। जैसे कि एक लाइट सेल वन है जो एक क्यूब सेट है जिसका कंस्ट्रक्शन मिलियंस डॉलर का है, जो ये काफी ज्यादा खर्चीला है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें काफी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो कि इसका काम काफी ज्यादा एक छोटे ही साइज में बढ़ा देते हैं और इसकी कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बूस्ट करते हैं। पर एक जो बेसिक 1U क्यूबसेट होती है जो कि नेपाली बच्चे भी बना रहे, उसकी कॉस्ट करीबन 30,000 से लेकर $50,000 तक अप्रोक्सीमेटली जा सकती है। तो ये तो बात हो गई एक नई दिशा की जहां कुछ नेपाली स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और नेपाल के लिए एक बड़ा फ्यूचर बना रहे हैं जो कि साइंस टेक्नोलॉजी और स्पेस के लिए है। और यदि आपको इन नेपाली बच्चों का मेहनत थोड़ा भी अच्छा लगा हो और इससे गर्व महसूस हुआ हो तो प्लीज उनके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर उन तक पहुंचाइएगा, जिसे वो लोग भी मोटिवेटेड रहें इसको बनाने में। साथ ही ऐसे ही रियल और ओरिजिनल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही आपको मिलते रहे। तो ये था आज का चर्चा का विषय जो कि स्पेस जगत से जुड़ा था नेपाल के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। NI News।